श्री गणेशाय नमः। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ दशमोध्यायः। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ है। सूजी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्रीहरि ने जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोखों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्व ये तीन भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन किया है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात की थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है, उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था, उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग होता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद सातवीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तवत्स्कार, विरुद्ध और ध्रुव, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। आठवीं सृष्टि तिर्यक योनियों यानी कि पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता, तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना मैथुन करना सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूक्ष्म मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशफ यानी कि 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमुख, शरफ और चमरी ये एकाशफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गिदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं।
विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। सावर पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टि है तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्वादी रूप वैकारिक देवसर्ग है उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि आठ प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मन्वंतरादि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि कराने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि की ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। हरे कृष्णा।